हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चेक होता है। तो बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कब होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होता है जब आप ग्रुप डी में अपना रिटर्न एग्ज़ाम और फिजिकल जो है वो क्लियर कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर आप ELP हैं या किसी दूसरी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने जो रिटर्न है एग्ज़ाम और जो मेन साइको है या एप्टीट्यूड है उसको क्लियर कर लिया है, तब आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मेडिकल और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये एक ही दिन होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 50% जो बच्चे होते हैं वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा जाते हैं। मान लीजिए किसी बोर्ड में या किसी RRC में 1000 वैकेंसी है, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे जाते हैं वो 50% एक्स्ट्रा जाएंगे। वैकेंसी अगर 1000 है तो बच्चों की संख्या जो होगी वो 1500 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने होते हैं और दूसरे स्टेप में देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि आपको सर्टिफिकेट्स कौन से लेके जाने हैं। तो देखिए, आपको अपने सारे उन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, जो आपने ऑनलाइन भरते समय रेलवे को बताया था, चाहे वो RRC हो चाहे वो RRB हो, क्योंकि अब सारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गए हैं। तो ऑनलाइन जितनी भी आप डिटेल देते हैं अपने सर्टिफिकेट्स की, चाहे वो 10th है, +2 है, आपका ITI है, आपका डिप्लोमा है, या आपका डिग्री है कोई भी, या मान लीजिए मास्टर डिग्री है, जो भी है कुछ आपने जो कुछ डिटेल्स वहाँ पे बताई थी, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट या पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट, ये सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि ओरिजिनल नहीं लेके जाते हैं, कुछ अटेस्टेड करवा लेते हैं फोटोकॉपीज और वो लेके चल जाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको यही सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो देखिए, बात करेंगे सर्टिफिकेट्स की। सर्टिफिकेट्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बताया था कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है बर्थ सर्टिफिकेट पे, तो फिर वही आपको लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन। कईयों के पास हालांकि नहीं होता है, तो वो जो 10th वाला है आपको अपने 10th की जो क्लास की मार्कशीट है वो लेके जानी होगी, क्योंकि उस पर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होती है वही चलेगी। अगला सर्टिफिकेट जो आप लोगों को लेके जाना होता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट का। जो अगर मान लीजिए आप लोगों ने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया और आप लोगों ने बताया कि हाँ भैया OBC की हैं या SC की हैं, तो वो आप लोगों को लेके वहाँ पे जाना होता है उसका ओरिजिनल। ध्यान देने वाली बात इसमें ये होती है कि इसकी कुछ वैलिडिटी होती है। मान लीजिए पंचायत ने बना के दिया है तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ब्लॉक वाला 1 साल के लिए, SDM वाला जो होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसका ध्यान भी आप लोग रखिएगा कि जब आपने फिल किया था तो क्या वहाँ तक आप लोगों की जो वैलिडिटी है वो बची हुई है कि नहीं, जब आप लेके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन। बहुत से बच्चे गलती कर देती हैं और उनको फिर बाद में निकाल दिया जाता है। OBC सर्टिफिकेट के बाद देखिए, आप लोगों को अपना SC सर्टिफिकेट जो शेड्यूल कास्ट का या ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना होता है। और सेम प्रोसेस वही है आपका जो OBC की तरह से होता है कि आपको अपना ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसकी जो वैलिडिटी है वो अभी आपको पता होनी चाहिए कि वो एक्सपायर हो गई है या बची हुई है। के अलावा अगर आप लोग मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप है, तो इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना होता है, जिसे कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ज़रूरी होता है उन बच्चों के लिए जो हैंडीकैप होते हैं और जो कोटा लेना चाहते हैं और उसके थ्रू उन्होंने टेस्ट दिया होता है। तो ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो आपका बनाया होता है, ये भी आपको उस दिन ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असल में चेक क्या किया जाता है। तो ये अगला स्टेप है। देखिए, सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा जितने भी आपने जो डिटेल दे रखी थी ऑनलाइन और आप जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सब पे आपका नाम जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सब पे एक ही, ये नहीं कि एक पे कुछ और हो, एक पे एक भी अक्षर कुछ और हो। उसके बाद फिर देखिए, फादर नेम सभी सर्टिफिकेट्स पे एक जैसा होना चाहिए, मदर नेम जो है वो भी सब पे एक जैसा, फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ है जो सब पे एक जैसी ही होनी चाहिए, किसी में भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो आपने मार्क्स बता रखे थे वही बिल्कुल सेम होने चाहिए आपके जो आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसके ऊपर, ये ना हो कि आपने बताया कुछ और था और उसमें निकला कुछ और है। इसके अलावा जो परसेंटेज आपकी निकलती हो उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपनी परसेंटेज ज़्यादा कई बार बता देते हैं, या कई बार वो ऐसे निकालते हैं कि जिससे उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे ज़्यादा निकलती हो वो बता देते हैं। ऐसा आप लोग कभी मत कीजिए, हमेशा परसेंटेज जो होती है वो टोटल मार्क्स की निकलती है, चाहे वो कम नंबर आए हों चाहे वो ज़्यादा आए हों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और है जो वो देखते हैं कि पासिंग ईयर है, जो पासिंग ईयर होता है बिल्कुल उसी में आपको भरना चाहिए। बहुत से बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि भाई उनकी कंपार्टमेंट आई थी तो वो पिछला बता देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने पास कभी और किया होता है। तो इसीलिए अपनी जो पासिंग ईयर है वो हमेशा सही बतानी चाहिए।
अगली चीज़ जो चेक की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो यही है कि जो आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मतलब उसको मान्यता प्रदान की गई हो। ये ना हो कि आपने जिस स्कूल या जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्रियाँ ली हो, उस कॉलेज का कोई नामो निशान ही ना हो, वो बस ऐसी कोई छोटी सी संस्था हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से भी पढ़े वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए संस्था। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट लेके बैठ जाते हैं एडमिशन किसी आईटीआई में, वो डिप्लोमा कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, जो उनका कॉलेज था, वो रिकॉग्नाइज नहीं था। तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाद में आपकी सिलेक्शन जब होने लगती है तो वहाँ पे एक लेटर भिजवा के पता किया जाता है रेलवे की तरफ से कि क्या यहाँ भाई स्टूडेंट ने पास किया था भी कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैसे पूसे दे के भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मत कीजिए, बिल्कुल सही तरीके से पढ़िए अपने स्कूल, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी है। अगली चीज़ जो ध्यान रखी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो दिखाई जाता है स्टैंप पे। स्टैंप जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है आपको नहीं पता हो, मगर आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इन पे जो मोहर लगी होती है कई बार वो असली नहीं होती है, कई बार वो नकली होती है, या कई बार लो लेवल की होती है, लगनी असल में कोई और चाहिए मगर लगी किसी छोटे लेवल की होती है, जिसकी वजह से भी बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से जब भी आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर सही बिल्कुल मोहर लगी होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारी बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक सही तरीके से पहुंच सके, और हमारे चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं।